आर्थिक अपराध के भगोड़े इनको घोषित करती है। ये सरकारी बैंकों का पैसा बाहर जा रहा है, व्यक्ति बाहर जा रहा है और वहां से वो तेल बेच रहा है और भारत सरकार उसको खरीद रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? इन संदेश राज को देश में वापस लाके वसूली करने में सरकार मौन व्रत धारण क्यों रखी हुई है? यहां से भगोड़ों का निर्यात केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के संरक्षण में होता है और वही भगोड़े वहां से सेवाएं वस्तुएं देश को भेजती है और देश की सरकार उन्हीं भगोड़ों की कंपनियों से वो वस्तुएं खरीदती है। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर है और वो महत्वपूर्ण मुद्दा है भगोड़ों का साथ, भगोड़ों का विकास। और जो भी मैं शब्द बोलूंगा, जो भी डाटा दूंगा, उसका साथ में एनेक्सर भी संलग्न है, वो मैं आपको दिखाऊंगा भी, आपको मैं देऊंगा भी। जो भगोड़ों से किस तरह पैसा वसूल करने का सरकार का और उनको भगाने का किस तरह का सरकार का एक मोडस ऑपरेंडी है, वो आज आपके सामने रखूंगा। सरकार का एक मॉडल बन चुका है कि देश से एक्सपोर्ट करते हैं भगोड़ों को और वो भगोड़े वहां बाहर जाके विदेशी धरती से देश को इंपोर्ट करते हैं उन्हीं की कंपनी में बनी हुई वस्तुएं। एक्सपोर्टिंग फ्यूजिटिव्स फ्रॉम इंडिया एंड द सेम फ्यूजिटिव्स आर इंपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड दोज गुड्स एंड सर्विसेज वर परचेस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहां से भगोड़ों का निर्यात केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के संरक्षण में होता है और वही भगोड़े वहां से सेवाएं वस्तुएं देश को भेजती है और देश की सरकार उन्हीं भगोड़ों की कंपनियों से वो वस्तुएं खरीदती है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं संदेशरा ग्रुप की, क्योंकि ये लाइन खत्म ही नहीं हो पा रही है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, संदेशरा, जो ही ईडी की इनके ऊपर कार्रवाई चालू होती है ये देश छोड़ के चले जाते हैं। इनको कोई रोक टोक नहीं होती, वापस लाने के नाम पे वो कहते हैं वहां पे इंटरपोल के नोटिसेज वो खारिज करवा देते हैं, सरकार की सरकार उस पे चुप्पी साधे रहती है और वहां से वो सेवाएं और वस्तुएं भेजते हैं जो भारत सरकार खरीदती है। और ये सब कुछ हो रहा है जब भारत सरकार ने उनको भगोड़ा घोषित कर दिया। They were termed as fugitive economic offenders by government of India, and the same government of India is purchasing goods and services from fugitives. And I will give you all evidences for that. साथियों, पिछले सात सालों में public sector bank का पैसा लियो, देश के लोगों का पैसा लियो, सरकारी संरक्षण में flight पकड़ के विदेशी धरती पे जाओ, वहां से बीच पे रेस्ट करते हुए आराम फरमाते हुए फोटवें देश को भेजो। और अब एक कदम आगे और हो गया कि वहां से वस्तुएं और सेवाएं देश को बेचो और देश की सरकार उन भगोड़ों से खरीद रही है। ड्यूब बैंक्स रन अवे विथ पब्लिक मनी, रिलैक्स एट वेरियस फॉरेन लोकेशंस, एंड नाउ वन थिंग इज एडेड दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दीज फ्यूजिटिव्स। देश का मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति, निम्न आय वर्गीय व्यक्ति किस तरह से अपनी दिनचर्या चला रहा है, किस तरह से रोज अखबार खोलता है तो तीन चीजों को ढूंढता है कि आज पेट्रोल के दाम कितने बढ़े, आज डीजल के दाम कितने बढ़े, और अगर महीने की शुरुआत है तो इस महीने का रसोई गैस का मेरा तिलक कितने का लगा। उसी समय 15,000 करोड़ से ज्यादा रुपए का चूना लगा के देश की बैंकों को संदेशरा, और चार लोग हैं, मैं उनका नाम बताता हूं आपको, नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा, दीप्ति संदेशरा और हितेश कुमार नरेंद्र भाई पटेल। इन चारों ने 15,000 करोड़ रुपए का देश को चूना लगाया, देश की बैंकों का पैसा लिया 2017 अक्टूबर में। और ये क्रोनोलॉजी समझिए,
नितिन संदेशरा नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा, दीप्ति संदेशरा और हितेश कुमार नरेंद्र भाई पटेल, इन चारों ने देश की बैंकों को 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया, देश की बैंकों का पैसा साइफन ऑफ किया 2017 में अक्टूबर में। और यह क्रोनोलॉजी समझिए साथियों, अक्टूबर 2017 में ईडी इनके खिलाफ केस दर्ज करती है और केस दर्ज करने के कुछ दिनों पहले ये देश छोड़ के चले जाते हैं अक्टूबर 2017 में। सितंबर 2020 में एक विशेष न्यायालय इन सभी को, नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा, दीप्ति संदेशरा और हितेश कुमार नरेंद्र भाई पटेल को इकोनॉमिक फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स बोलती है, मतलब आर्थिक अपराध के भगोड़े इनको घोषित करती है सितंबर 2020 में। 2017 में ईडी, पता नहीं इनका ऐसा क्या कम्युनिकेशन है कि जो ईडी केस दर्ज कर रही उससे थोड़े दिन पहले ये देश छोड़ के निकल जाते हैं। कभी पता लगता है अल्बेनिया है, कभी पता लगता है नाइजीरिया है, पर मैं आज आपको सब बताऊंगा ये है कहां और कर क्या रहे हैं। उस दौरान जनवरी, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूं, जनवरी 1, 2018 से लेकर 31 मई 2020 तक, अर्थात इस जनवरी से लेकर मई 31 2020 तक इनकी कंपनी जो नाइजीरिया में है जिसका नाम है सिपको, SEPCO, उस कंपनी से भारत की ऑयल PSUs जिसमें IOCL, BPCL, HPCL 5,701 करोड़ का क्रूड ऑयल खरीदती है और ये भगोड़े घोषित हुए हैं। ये जानकारी एक RTI में खुलासा होता है इसका, और मेरे पास जो डाटा है वो 2020 तक का ही है, मई 31 2020 का, पर उसके बाद भी जो कस्टम्स के बिल ऑफ एंट्री के डाटा है उसमें वो परचेज ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम दिस संदेशरा भगोड़ास इज स्टिल कंटिन्यूइंग, ये अभी तक नहीं रुका है। और आपको जान के आश्चर्य होगा साथियों, मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये देख के कि एक टैंकर 1 नवंबर 2021 को पारादीप पोर्ट पे आ रहा है रस्ते में, उसकी डिटेल भी मैंने आपको एनेक्सर 3 में दी है और मैं आपको उसकी डिटेल दिखाना चाहता हूं कि ये इनका टैंकर है। ये मैंने ऑनलाइन इनका पता लगाया कि ये टैंकर कहाँ है और इसका एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल क्या है, और इस टैंकर का एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल है पारादीप पोर्ट में 1 नवंबर को। और ये कौन भेज रहा है ये टैंकर, इस शिप का नाम है सिपनोस। ये सिपनोस शिप में किसका तेल है, ये सिपको कंपनी का तेल है। ये सिपको किसकी कंपनी है नाइजीरिया में, ये सिपको संदेशरा बंधुओं की कंपनी है जिनके नाम आर्थिक भगोड़े हैं। और मैं आपको एक और पेज दिखाना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है, ये सिपको की वेबसाइट से लिया है मैंने ये पेज। इस सिपको में लिखा हुआ है कि जो क्रूड ऑयल जिसका नाम, उस क्रूड ऑयल का नाम है ओक्यूबॉम, OKWUIBOME, ओक्यूबॉम। ये ओक्यूबॉम नाम का क्रूड ऑयल सिर्फ सिपको बेचती है, ये इसका सिपको की वेबसाइट से मैंने ये आपको अटैच एनेक्सर 2 में डाला है। आप भगोड़े घोषित करने के बाद भी उससे खरीदे जा रहे हो, ईडी केस दायर करता है उसके बाद भी 5,800 करोड़ रुपए का तेल आप उससे खरीदे जा रहे हो। और तो और एक बहुत चौंकाने वाला तथ्य और सामने आता है पेंडोरा पेपर्स में कि इन संदेशरा बंधुओं ने, ये नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा, इनकी परिवार के लोगों ने पेंडोरा पेपर्स में 6 शेल कंपनियां बनाई। और ये अभी एक 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 समाचार पत्र ने इसका पर्दाफाश किया कि नवंबर 2017 से लेके अप्रैल 2018 के बीच 6 ऑफशोर कंपनियां बनी है इन संदेशराज की, और उन ऑफशोर कंपनियों से देश का पैसा वहां पे डाइवर्ट हुआ है टैक्स हेवंस में,
और ये सब कब हुआ? 17-18 में, जब ईडी ने केस फाइल कर दिया था। ईडी का केस फाइल हुआ हुआ है, ऑफशोर शेल कंपनियां बन रही है, सरकारी बैंकों का पैसा बाहर जा रहा है, व्यक्ति बाहर जा रहा है और वहां से वो तेल बेच रहा है और भारत सरकार उसको खरीद रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता ऐसा क्या है कि ईडी के नोटिस के कुछ क्षण पहले संदेशरा बंधु देश छोड़ के चले जाते हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है कि ईडी के नोटिस के दौरान 6 ऑफशोर कंपनियां बनती है और उस ऑफशोर कंपनियों में राउंड ट्रिपिंग के द्वारा देश का बैंकों का पैसा, आपका पैसा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पैसा, मेरा पैसा, मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति का पैसा, निम्न आय वर्गीय के व्यक्ति का सेविंग डिपॉजिट, वो पैसा देश के बाहर जाता है और अब वही पैसे से बाहर जाके तेल खरीदा जाता है। उस तेल का नाम है ऑक्यूडोम क्रूड ऑयल। ध्यान रहे, ये ऑक्यूडोम सिर्फ संदेशरा बंधु ही नाइजीरिया से भेजते हैं, इसकी पूरी डिटेल्स मैंने आपको दी है। और 1 जनवरी 2018 से लेके 31 मई 2020 के बीच 5,701 करोड़ रुपए का तेल भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, और ये आरटीआई भी मैं आपके साथ संलग्न कर रहा हूं, इसमें साफ लिखा हुआ है कि कितना तेल कब खरीदा गया, कौन सी ब्रांड का, नाइजीरिया से, और इसका आप टोटल करेंगे तो 5,701 करोड़ रुपए का। ईडी का केस पेंडिंग है, संदेशरा देश छोड़ के चले जाते हैं, सरकार चुप, उनको वहां से वापस लाने का कोई कार्रवाई नहीं, इंटरपोल का नोटिस उन्होंने खारिज करवा दिया, नाइजीरिया के सरकार से उन्होंने यह कहलवा दिया कि इनके ऊपर धार्मिक उत्पीड़न है देश में, और देश की सरकार चुप है। वो वहां से बैठ के कच्चा तेल देश को भेज रहे हैं, देश की सरकार खरीद रही है। और ना केवल ये खरीदारी 31 मई 2020 तक की चली, आज भी, और ये इसका डेटा है कि ये सिफनोज नाम की शिप ये नाइजीरिया के पोर्ट से चल चुकी है, इसकी आप ट्रैकिंग करेंगे तो अभी की इसकी लोकेशन आ जाएगी, ये एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल भी पता लग जाएगा, इस शिप का कंसाइनर कौन है और कंसाइनी कौन है वो भी आप देख लेना, मैं आपको संलग्न दे रहा हूं और वेबसाइट पे आप भी चेक कर सकते हैं। इस सिफनोज नाम की शिप कहां पर है, इसकी क्या लोकेशन है, ये तेल लेके कहां से चली, ये किस कौन से पोर्ट पे आएगी, कितने तारीख को आएगी, इसकी डिटेल पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6 पर है मेरी प्रेस रिलीज के, पेज नंबर 5 और 6 एनेक्सर 3, उसमें पूरी डिटेल है, आप इसको पढ़ेंगे तो। एनेक्सर 1 में वो सारी डिटेल है जो आरटीआई के थ्रू पता लगी कि देश की सरकार ने IOCL, BPCL, HPCL ने, इन तीनों पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने, पेट्रोलियम मंत्रालय ने, देश की सरकार ने 5,700 करोड़ रुपए से ज्यादा ओक्यूम्बॉफ जो कच्चा तेल की एक ब्रांड होती है जो सिर्फ सिपको, और सिपको कंपनी है संदेशराज की, उससे खरीद रही है, उसकी डिटेल आरटीआई के खुलासे में सामने आई। और ये जो ओक्यूम्बॉफ जो कच्चा तेल है ये सिर्फ सिपको बनाती है, ये सिपको अपनी वेबसाइट पर लिख रही है, ये एनेक्सर 2 में है। अब इस बाबत में हमारे 3 सवाल है। नंबर 1, अभी तक इन संदेशराज को देश में वापस लाके वसूली करने में सरकार मौन व्रत धारण क्यों रखी हुई है? ये वैसा ही मौन व्रत है जब आशीष मिश्रा खुलेआम जीप के टायरों के नीचे अब किसानों को रौंदता है, दिल्ली में बैठी सरकार मौन व्रत पे है, वैसा ही ये मौन व्रत है। क्यों मौन धारण किया हुआ है? हमारा पहला सवाल है कि क्या बैंक्स और सेंट्रल एजेंसीज देश के अन्य जो लोन के डिफॉल्टर्स है उनसे भी ऐसा ही बर्ताव करती है? आप, मैं, हम जैसे मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति, निम्न आय वर्गीय व्यक्ति अगर 1 महीने भी ईएमआई चुकाने में देरी कर देते हैं तो बैंक के लोग हमारा मकान कुर्क कर लेते हैं। ये यहां से 15,000 करोड़ रुपया लेके नाइजीरिया में आराम फरमा रहे हैं।
वहां की सरकार कह रही है कि इनको हमें भेजेंगे भी नहीं, भारत की सरकार उनको वापस लाने के लिए मौन बैठी हुई है, इंटरपोल के जो इनको गिरफ्तार करने के जो नोटिसेस थे वो इन्होंने खारिज करवा दिए। यहां तक तो सबने किया, नीरव जी ने भी किया, हमारे मेहुल भाई ने भी किया, पर ये उनसे एक कदम और आगे चले गए। वो वहां से व्यापार कर रहे हैं और भारत की सरकार को माल बेच रहे हैं। हमारी दूसरी मांग है कि क्यों भगोड़े घोषित होने के बावजूद भारत की सरकार उस कंपनी से ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रेडिंग कर रही है। ये रिश्ता क्या है, किसका दबाव है, देश जानना चाहता है। 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा देश के लोगों के पैसे लेके भागे हुए व्यक्ति से देश की सरकार व्यापार कर रही है, देश के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स व्यापार कर रहे हैं, देश का पेट्रोलियम मंत्रालय व्यापार कर रहा है, क्यों? हमारा तीसरा सवाल है, क्योंकि जब हमने कहा आशीष मिश्रा को पकड़ो तो उन्होंने पूछा कहां है, तो इस बार हम बता देते हैं कि ये शिप यहां पर है। भारत सरकार, ईडी, सीबीआई, इस वेबसाइट पे जाके देखो कि ये शिप कहां पे है। जब ये शिप पैरादीप पहुंचे तो इस शिप को क्या सीज नहीं करना चाहिए, क्या इस शिप को कॉन्फिस्केट नहीं करना चाहिए? और शिप पे शिप तेल के जो शिपमेंट्स पे शिपमेंट्स आते जा रहे हैं और भारत सरकार मौन है, क्यों? क्योंकि हम तो आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि ये कहां पर है। इन तीन मंतव्यों से साफ हो जाता है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, भगोड़ों का साथ भगोड़ों का विकास। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।